हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में डेट टू नेटवर्क्स में। आज मैं बताने वाला हूँ कि जजपाल क्यों बंद हुआ। ये वैसे तो इसका सिर्फ एक ही कारण है। चलिए आप यार क्लिप को देख लीजिए, बाद में आप बता रहे हैं होना चाहिए था बंद या नहीं। तुम्हारे ऑर्डर्स लेने से पहले मैं सुसाइड कर लूंगा, वो भी तुम जैसे मॉन्स्टर बच्चे से, जैकर या फिर जो भी तुम्हारा नाम है। ये लाइट किसने बंद कर दी? ये क्या लाइटनिंग थी? किस तरह के मॉन्स्टर हो तुम? राजबैल अभी बता तो था। हे, ये तुम्हारे रूम को क्या हो गया? क्या मुझे इसकी देख। तो दोस्तों आप सोच ही सकते हैं, जैसे एनीमे के पहले एपिसोड में वो कियो का उसने घर फोड़ दिया पूरा का पूरा, अब वो आगे चल के क्या क्या कर सकता है। इंडिया की गाइडलाइन जितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि अगर बच्चों को खून खराबा दिखाया जाता है तो उस कार्टून को बंद कर दिया जाता है, ऐसा ही इसमें हुआ था। इसके टोटल 150 एपिसोड थे पर हमें सिर्फ 119 दिखाए गए। क्यों? बाकी के एपिसोड में बहुत ज़्यादा खून खराबा था। और फिर अगर इंडियन कार्टून की अगर गाइडलाइन थोड़ी सी बदलती है ना, थोड़ी सी भी, तो ये पक्का आना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़िया मैंने कोई एनिमे देखा नहीं था अपनी लाइफ में। मैं जिस टाइम का बच्चा हूँ उस टाइम में ये बहुत ही बढ़िया कार्टून था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो दोस्तों पुराने कार्टून्स के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं, जैसे मेरे चैनल का नाम है डेड टून्स, यानी कि जो भी चैनल ये बंद कर चुके हैं जितने भी कार्टून्स, मैं उन्हें दिखाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ दें, आपको जौन से कार्टून के बारे में स्टोरी चाहिए या उसके उसे मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। Thank you.